व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कैवेलियर इवेंट क्वेस्ट में बॉस नंबर 3, जो कि होगा एक मिस्ट्री चैंपियन। एंड वैसे भी ऑफ कोर्स हम सभी को पता है इस वाले पॉइंट पे कि ये है जो फिक्सिट, साइंस क्लास का चैंपियन है। एंड देन फिर यहाँ पर जो फिक्सिट के ऊपर जो नोट्स है वो थोड़े बहुत स्लाइटली अनोइंग है, बट या अगर आपको एक या दो टाइप के चैंपियंस लेके जाते हो एंड कौन कौन से है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, तो आपको फाइट जो है काफ़ी इजीली हो सकती है। एंड देन फिर यहाँ पर जो क्लास स्पेसिफिक नोट्स है वो सारे के सारे अवेलेबल है साइंस चैंपियंस के रिलेटेड। एंड साइंस चैंपियंस ले जाके करना क्या है कि आपको ना एक नॉन डैमेजिंग डीबफ हमेशा अपोनेंट के ऊपर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता ना तो आपकी वैसे भी अटैक रेटिंग जो है 50% लो हो जाएगी। तो वो एक है, तो मतलब बेसिकली नॉन डैमेजिंग डीबफ वाले चैंपियन लेके जाओ। एंड देन फिर आपको जो है फ्यूरी मिलेगी यहाँ पर, क्या कहते हैं अपने पॉइजन इम्यून चैंपियन ले जाने पे, क्योंकि बेसिकली नॉर्मल हिट्स में हमारे ऊपर चांस है कि हमारे ऊपर पॉइजन डीबफ अप्लाई हो। एंड देन फिर ये पॉइजन डीबफ जो है हट सकता है जैसे आप डेक्सटरिटी परफॉर्म करो या तो फिर अपोनेंट को जो है पैरी करो। तो दो ऑप्शन है, एंड मतलब देखा जाए तो वो पॉइजन डीबफ भी इतना डैमेज नहीं करते, अब बस जस्ट आपको जो है विल पावर से उतनी हीलिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि वैसे भी पॉइजन डीबफ जो है हमारा ये रिड्यूस कर देता है, क्या कहते हैं हीलिंग रिड्यूस कर देता है, तो वो एक थोड़ा बहुत जो दिक्कत दे सकता है। बट एनीवेज अगर आपको सर्वाइव करना हो तो वैसे भी काफ़ी सारे जो है पॉइजन चैंपियंस अवेलेबल है साइंस क्लास के अंदर, तो उनको आप जो है यूज़ कर सकते हो। वन ऑफ़ दी बेस्ट ऑप्शन रहेगी शी हल्क, ऑफकोर्स क्योंकि वो पॉइजन इम्यून है। एंड देन फिर उसके पास जो है काफ़ी सारा डैमेज है उसके SP1 में, SP2 में, तो वो सारा डैमेज जो है अवेलेबल है। एंड देन फिर हल्क ले जा सकते हो, इमोर्टल हल्क। एंड देन फिर इमोर्टल अबोमिनेशन भी ले जा सकते हो, नॉर्मल वाला अबोमिनेशन भी लेके जा सकते हो। अगर रेड गार्डियन एंड नॉर्मल वाले अबोमिनेशन की सीनर्जी है दोनों की, तो आप दोनों लेके जा सकते हो। नॉर्मल वाले हल्क भी लेके जा सकते हैं, जैसे कि OG हल्क है, एंड देन फिर हल्क रैग्नारोक, उनको भी लेके जा सकते हो जस्ट बिकॉज वो लोग पॉइजन इम्यून है। बट पता नहीं वो लोग इतना डैमेज कर पाएंगे या नहीं, तो मेरे ख्याल से तो वो ना लेके जाओ तो भी बेहतर रहेगा। एंड देन फिर कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी वॉर भी लेके जा सकते हो, क्योंकि उसके पैरीज में डीबफ्स अवेलेबल है, बट उसके लिए आपके रोस्टर में अलग अलग क्लास के चैंपियंस लेके जाने पड़ेंगे, मतलब टेक क्लासिक पेट्रीफाई के लिए, कॉस्मिक क्लासिक आर्मर ब्रेक के लिए, एंड देन फिर साइंस चैंपियन वीकनेस डीबफ के लिए। ऐसा करके एटलीस्ट आप पैरी के टाइम जो है अपोनेंट के ऊपर डीबफ्स होंगे तो आपको इतना दिक्कत आएगा नहीं। एंड देन फिर आपको जो है वैसे भी आप पैरी करके अपने ऊपर से पॉइजन डीबफ जो है हटा सकते हो। स्पाइडरमैन 2099 भी काफ़ी अच्छा तरीके से हो सकता है, बट उसको तो लेके जा सकते हो, लेकिन टेक्निकली कोई भी टाइप का स्किल साइंस चैंपियन जो है लेके जा सकते हो, बट एटलीस्ट अपोनेंट के ऊपर एक नॉन डैमेजिंग डीबफ होना ही चाहिए। उसके लिए वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन होगा वॉइड, क्योंकि वॉइड जैसे ही फाइट में एंटर होता है वो अपने SP1 से एक डीबफ अप्लाई कर सकता है, या तो फिर थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ेगा कि जैसे ही आप जो है उसका एक डीबफ का टाइमर हट जाए, मतलब कि ख़त्म हो जाए, एंड एक डीबफ आप लगा सको, एंड देन फिर पूरी की पूरी फाइट जो आप सर्वाइव कर सकते हो डैश पैक करके, डेक्सटरिटी से वेट करके अपने ऊपर जो भी पॉइजन डीबफ है तो उनको हटा सकते हो। एंड देन फिर रेड हल्क है, वो भी एक चैंपियन अच्छा है, बट रेड हल्क के पास ना कोई भी ऐसी खास चीज़ नहीं है कि जैसे वो अपोनेंट के ऊपर कोई भी एक नॉन डैमेजिंग डीबफ अप्लाई कर सके। जो फिक्सिट भी काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन रहेगा, एंड जो फिक्सिट एंड किंग पिन की सिनर्जी लेके जा सकते हो बॉस को डिफीट करने के लिए। उसके लिए हम थोड़ी देर में देखेंगे उसको कि बॉस को कैसे डिफीट करना है। एंड या टेक्निकली लिटरली कोई भी टाइप का चैंपियन लेके जा सकते हो। एंटी वेनम जो है, एंटी वेनम एक इंसिनेट इम्यून है एंड साथ ही साथ पॉइजन इम्यून भी है, तो वो भी लेके जा सकते हो। एंड वैसे भी एंटी वेनम के हिट्स में एक नॉन डैमेजिंग डीबफ्स तो वैसे भी आप लगा ही सकते हो SP1 के थ्रू, एंड जैसे ही आपके कॉम्बो जो है 10-20 के ऊपर जाते हैं उस टाइम पे, ठीक है, तो वैसे वाले चैंपियंस भी यूज़ कर सकते हो। सो या मतलब ये क्वेस्ट जो है काफ़ी आसान होनी चाहिए एटलीस्ट बॉस तक पहुंचने में, एंड देन फिर बॉस के लिए देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। बट या जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि मैं वॉइड के साथ काफ़ी सारा डीबफ जो है अप्लाई कर रहा हूँ, एंड देन फिर फ्यूरीज की वजह से मेरे को एक्स्ट्रा जो पैसिव डैमेज है वॉइड के डीबफ्स के थ्रू, तो वो भी काफ़ी सारा जो है देखने को मिलेगा। एंड मेरे को अपोनेंट की जो है पावर कंट्रोल करनी हो तो वो भी मैं कर सकता हूँ, एंड अगर अपोनेंट जो है रीजन करने की ट्राई करे तो उसको भी मैं जो है शट डाउन कर सकता हूँ। एंड बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा पैसिव डैमेज रहेगा, तो कहीं अगर अपोनेंट को मेरे को बेट करना हो उसके स्पेशल अटैक, तो इन द मीन टाइम वैसे भी डैमेज तो होता ही रहेगा। एंड पॉइजन डीबफ से अगर एक या दो पॉइजन डीबफ हो ना तो मैं थोड़ा बहुत जो है उससे हील कर सकता हूँ, बट उसके ऊपर अगर पॉइजन डीबफ चले जाते हैं ना 3 या 4 तो मेरी हीलिंग जो है कम हो जाएगी, बट एटलीस्ट मेरे को उतना डैमेज तो नहीं आएगा। मतलब ऐसा है नहीं है कि 3-4 पॉइजन मिल गए तो भाई आधी हेल्थ ऑन द स्पॉट चली जाएगी, ऐसा तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है। एंड देन फिर ना यहाँ पर अगर आप लेके जाओगे
इमोर्टल अबोमिनेशन। तो जस्ट इन केस यहाँ पर देखना कि इमोर्टल अबोमिनेशन के साथ ना आप डेक्सटरिटी कम परफॉर्म करना एंड पैरी भी कम परफॉर्म करना, क्योंकि बेसिकली इमोर्टल अबोमिनेशन को पॉइजन डिबफ चाहिए उसकी खुद की एबिलिटीज़ यूज़ करने के लिए ना। एंड उस टाइम पे अगर आप SP2 लॉन्च करते हो तो SP2 का जो क्या कहते हैं एसिड बर्न है उसको ज़्यादा सर्वाइव मतलब ज़्यादा टाइम तक अप्लाई हो, तो उसके लिए अपने ऊपर जो है काफ़ी सारे पॉइजन डिबफ चाहिए। इवन इमोर्टल अबोमिनेशन के जो खुद की एबिलिटीज़ की वजह से अपने ऊपर जो पॉइजन डिबफ लगाता है वो भी नोड की वजह से प्योरीफाई हो जा रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से ठीक ठाक काम नहीं करेगा। बट अगर आपको लेके जाना है तो काफ़ी सारा जो है डिफेंसिव खेलना पड़ेगा, ब्लॉकिंग बेकार में काफ़ी सारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप पैरी करते हो तो आपके ऊपर के सारे पॉइजन डिबफ जो है हट जाएंगे, तो जस्ट वो एक ध्यान देना। क्योंकि मैं लेके तो आया था बट जो है फाइट में एंटर करने के बाद पता चला कि ओ ये तो मतलब पॉइजन हटा रहे मेरे ऊपर से, तो वो थोड़ा बहुत जो है आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन भी स्पेसिफिकली ये वाले फाइट के लिए ना आप काफ़ी सारे चैंपियंस यूज़ कर सकते हो, इवन डायरेक्ट काउंटर भी लेके आ सकते हो, बट मैं जो है काउंटर लाने के लिए नहीं ये कर रहा था, जो भी मेरे पास चैंपियन अवेलेबल थे जस्ट मैं वही यूज़ कर रहा था। एंड मैं क्या करता हूँ कि टेरेक्स को ना अपना वो जो रॉक शील्ड वाला चार्ज है वो इग्नाइट करने देता हूँ, मतलब स्टार्ट करने देता हूँ उसके SP अटैक्स के थ्रू, एंड फिर मैं उसको पैरी करके जो है वेट करता हूँ जब तक कि उसकी पावर मीटर जो है वापस जीरो पे नहीं हो जाती। एंड वो एक काफ़ी अच्छा खासा ऑप्शन है। एंड अगर आप शील्क लेके जाते हो एंड आपके और अपोनेंट के बीच में अगर आप स्पेस अच्छी तरीके से क्रिएट कर सकते हो तो आप जो है उसको हैवी काउंटर भी कर सकते हो, बट मैं ठीक से जो है कर नहीं पाया। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को जो है मदद किया क्या कहते हैं क्लास स्पेसिफिक नोट्स की वजह से, जहाँ से मेरे को एक्स्ट्रा डैमेज मिल रहा था। एंड देन फिर यहाँ पर टेरेक्स आई गेस मीडियम चैंपियन है या फिर लार्ज चैंपियन है, आई गेस वो मीडियम चैंपियन है, तो उसकी वजह से थोड़ी थोड़ी बीच में एक या दो फ्यूरी जो है मेरी रिफ्रेश हो रही थी, तो वो भी है। एट दी एंड मतलब बेसिकली मेरे को ना इसने ही बचाया क्या कहते हैं डैमेज के थ्रू ही बचाया। एनी देख सकते हो मैंने उसके SP मतलब क्या कहते हैं ब्लॉक के ऊपर अपना SP2 लॉन्च कर दिया, बट स्टिल एक कॉम्बो खाने के बाद भी मैं सर्वाइव कर जाता हूँ। एंड यार जस्ट मेरी ट्रिक यही है कि मैं क्या करता हूँ ना, जैसे ही वो उसकी रॉक शील्ड ऑन हो जाती है तो मैं पैरी करता हूँ एंड रुक जाता हूँ जब तक कि उसकी पावर मीटर जो है जीरो नहीं हो जाती, उसके बाद फिर वापस आपको जो है हिट करना हो तो हिट करने के लिए जा सकते हो। एंड वैसे भी आप जो है उसकी पावर कंट्रोल तो नहीं कर सकते, इवन वॉइड लेके जाते हो ना तो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, एटलीस्ट आप उसको जो है कम बार ऑफ पावर दोगे। एंड ऐसा करके एट दी एंड आप जो है उसकी पावर मीटर स्लाइटली कंट्रोल कर सकते हो, बट एट दी एंड आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। अगर आपको मालूम हो कि भाई टेरेक्स से कैसी फाइट करनी है तो इतना इशू नहीं आना चाहिए, एटलीस्ट मेरे केस में मेरे को नहीं आया। बट ये अगर आपका सबसे वर्स्ट चैम्पियन है तो थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकती है, बट एनीवेज उसके बाद काफ़ी सिंपल सी दो फाइट है, एक साइलॉक है एंड देन फिर वुल्वरीन है। साइलॉक तो वैसे भी काफ़ी इजी रहेगी। एंड यहाँ पर देखना मैं काफ़ी सारा टाइम ना गलती से ऑटोमेटिकली पैरी हो जाती है एंड देन फिर उसी की वजह से मेरे ऊपर के जो भी पॉइजन डिबफ्स है वो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे नोट्स की वजह से। एंड कभी कभी उसके स्पेशल टैग वेट करते टाइम मैं डेक्सटरिटी परफॉर्म कर लेता हूँ तो ऑन द स्पॉट सारे के सारे पॉइजन डिबफ हट जाते हैं। एंड वो मतलब स्पेसिफिकली इमॉर्टल अबोमिनेशन के केस में थोड़ा बहुत दिक्कत दे रहा है, बट नॉर्मल दूसरे चैंपियन जो अन कहते पॉइजन इम्यून ना हो साइंस क्लास में एंड उस टाइम पे अगर आपको कहते पॉइजन डिबफ हटाना है तो उस टाइम पे अच्छा रहता है कि चलो एक ही डेक्सटरिटी परफॉर्म करते ही टाइम सारे के सारे पॉइजन डिबफ हट जा रहे, बेकार में डैमेज लेना पड़े ना, तो वो एक है। बट एनीवेज ये भी इतनी कोई बेकार में मतलब क्या कहते दिक्कत देने वाली फाइट थी नहीं, जस्ट एक एसिड बर्न अप्लाई किया एंड उसके बाद एक SP2 एक SP1 तक ही जो है फाइट चलनी थी। देख सकते हैं अभी भी मेरे ऊपर जो है कोई भी टाइप के डिबफ नहीं अभी आ जाते एक कॉम्बो करने के बाद। एंड मैं अभी भी मालूम मतलब इस वाली फाइट में आने के बाद मेरे को पता चलता है कि भाई मेरे को काफ़ी सारा बेकार में ब्लॉक डैमेज लेना है एंड वगैरह वगैरह, फिर मैं सोचता हूँ कि छोड़ो मतलब इमोर्टल अबोमिनेशन को लाएंगे ही नहीं इस पूरी की पूरी फाइट में। एंड देन फिर मैंने देखा कि दूसरे चैंपियंस जो है वो मेरे को लाने पड़ेंगे। यहाँ पर एक लास्ट फाइट है कि जो कि होगी वॉइड के साथ वुल्वरीन की, एंड वो हम सभी को पता है कि वॉइड जो है रीजन बफ को रिवर्स कर देगा एंड देन फिर फाइट वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगी, तो इतनी दिक्कत देने वाली है नहीं। तो फिर मैं चलूँगा यहाँ पर डायरेक्टली बॉस फाइट के ऊपर जो कि है यहाँ पर जो फिक्सिट। एंड जो फिक्सिट के नोट्स देखा जाए तो काफ़ी सिंपल है, बट एक या दो नोट्स एक दूसरे से मैचअप हो जाते हैं ना तो बेकार में काफ़ी सारी जो है दिक्कत मतलब इशू क्रिएट करते हैं। जो कि फर्स्ट वाला है स्पेशल बर्स्ट लॉकडाउन, मतलब बेसिकली जैसे ही जो फिक्सिट अपना स्पेशल अटैक लॉन्च करेगा तो हमारे ऊपर एक हील ब्लॉक डीबफ एंड आर्मर ब्रेक डीबफ अप्लाई होगा। ये दोनों एक्चुअल में कुछ करते नहीं है, बट उसके ऊपर एक और अगर ऊपर वाला नोट एडअप कर दे
स्टेडी बिल्डअप फ्यूरी, तो उससे होता क्या है कि बेसिकली ना हमारे ऊपर अगर तीन डिबफ्स अप्लाई हो जाते हैं तो जो फिक्सिट को 150% तक की फ्यूरी मिलती है। एंड भाई ब्लॉक डैमेज वहाँ पर ना लिटरली उसका SP1 का ब्लॉक डैमेज लिटरली आपकी 50% के ऊपर हेल्थ खा सकता है। एंड वैसे भी जो फिक्सिट की खुद की एबिलिटी है कि जैसे ही वो अपना स्पेशल अटैक लॉन्च करे एज ए डिफेंडर, मतलब अगर अपोनेंट हमारे तरफ से खेल रहा, मतलब अपोनेंट खेल रहा हो तो उस टाइम पे जो हमारे ऊपर कोई भी टाइप का एक रैंडम डिबफ अप्लाई करेगा तो बेसिकली ऑटोमेटिकली तीन डिबफ तो हो ही जाता है एंड उसी की वजह से उसको काफ़ी सारे जो है फ्यूरी मिलती है। एंड देन फिर यहाँ पर एक और नोड है कि क्या कहते हैं, मतलब ये जो स्टडी बिल्डअप फ्यूरी वाला ही नोड में लिखा है उन लोगों ने कि अगर आपका कोई चैंपियन जो है वो प्यूरीफाई कर देता है ये सारे के सारे डिबफ या तो फिर तीनों में से कोई भी एक दो डिबफ जो है प्यूरीफाई कर देता है तो उल्टा आपको जो है फ्यूरी मिलेगी। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसे चैंपियंस लेके जाने जो प्यूरीफाई करके अपने ऊपर से डिबफ हटा सके, जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्किल चैंपियंस जो है वो प्यूरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि मोलमैन हो गया, निक फ्यूरी हो गया, एल्सा ब्लडस्टोन हो गई, डेड डेविल हेल्स किचन हो गया, तो वो कैसा है कि ऑटोमेटिकली अपने ऊपर से डिबफ्स हटा देते हैं। एंड देन फिर नाइट थ्रेशर हो गया, वो भी अपने ऊपर से डिबफ्स हटा सकते हैं। साइंस चैंपियन के अंदर क्या कहते हैं यहाँ पर शी हल्क जो है वो अपने ऊपर से भी डिबफ हटा देती है, बट वो आपको कंटिन्यूसली कॉम्बो करना पड़ता है, बीच बीच में जैसे ही उसके ऊपर डिबफ अप्लाई होता है तो वो हटा देती है। एंड यहाँ पर सबसे पहला चैंपियन जो है मैं यहाँ पर ये लेके जाता हूँ, क्या कहते हैं, इमोर्टल अबोमिनेशन, बट फिर बाद में पता चलता है वैसे भी मैं कोई इतना कुछ खास डैमेज कर नहीं पाऊंगा एंड वो हील भी कुछ ज़्यादा ही तरफ से कर रहा है, तो मैं सोचा कि छोड़ो यहाँ पर क्वेस्ट जस्ट मतलब ये फाइट को एग्जिट ही कर देता है, दूसरा कोई चैंपियन लेके आता है। शी हल्क इसीलिए काफ़ी बेस्ट रहेगी कि देखो यहाँ पर शी हल्क का अपोनेंट जो है वो एक्सेल चैंपियन है एंड एक्सेल चैंपियन की वजह से जैसे ही वो स्पेशल अटैक लॉन्च करेगा तो फ्यूरीज जो है रिफ्रेश हो जाएगी। एंड एनीवेज मतलब मैं फाइट वैसे भी एग्जिट ही करने वाला था बट उसके SP2 ने वैसे ही मेरे को किल कर दिया, तो वो वैसे भी मेरे को बाहर ही निकलना था, ठीक है। बट ये हम लोग जो है शी हल्क पे थे एंड शी हल्क क्या है कि उसके लिए ना उसको अवेकेंट होना चाहिए स्पेसिफिकली ये वाली फाइट के लिए, अगर उसको डीबफ्स रिमूव करना हो तो, एंड उसके ऊपर एटलीस्ट थोड़े बहुत जो है सिग्नेचर स्टोन्स दे देना अगर ना हो तो, क्योंकि वो क्या कहते हैं डीबफ प्योरीफाई करने का ऑप्शन जो है वो उसके सिग्नेचर लेवल पर डिपेंड करेगा। बट यहाँ पर जिस टाइम पर मैं फाइट कर रहा था ना उस टाइम पर मेरे को पता नहीं चला कि मैं भाई इतना सारा डैमेज क्यों कर रहा हूँ, एंड देन फिर मेरे को जो है बाहर आने के बाद पता चला, मैंने नोट्स ध्यान से देखे तो फिर पता चला कि मैं जो है क्या कहते हैं जो फिक्सिट जो मेरे ऊपर डिबफ अप्लाई कर सकते हैं, देखो यहाँ पर तीन डिबफ से अलग अलग धीरे धीरे करके मैं उनको जो है हटा रहा था, उसी की वजह से मेरे को जो फ्यूरी मिल रही थी। बट दिक्कत मेरे को इसलिए आ रही थी कि देख सकते हो मेरी नोड की वजह से जो भी फ्यूरीज है वो तो ओवरलैप हो ही रही है, साथ ही साथ शी हल्क की जो खुद की फ्यूरीज है वो भी ओवरलैप हो रही थी। सो या मतलब बेसिकली इस वाली फाइट को फिनिश करने के लिए आपको डीबफ प्यूरीफाई करने वाले चैंपियंस लेके जाने, स्किल वाले चैंपियंस तो वैसे भी काफ़ी अच्छे रहेंगे बट शी हल्क एक वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन रहेगा इस फाइट को कंप्लीट करने के लिए। एंड ट्राई करो कि उसको SP2 पे पुश करो, क्योंकि वैसे भी SP2 से क्या है कि आपको कोई भी टाइप का ब्लॉक डैमेज लेना नहीं पड़े। सो या ऐसे करके आप जो है ये वाली क्वेस्ट कंप्लीट कर सकते हो। एंड या इतनी सी है ये वीडियो, एंड होपफुली अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।